चले ना कहीं, चलते हैं बच्चों को बाहर लेके चलते हैं, आज आपकी छुट्टी भी है। किधर जाएंगे यार? बच्चों से किस साइड किधर जाएंगे गाइस? बीच में चलते हैं, बीच में चलते हैं। सबसे पूछे ना, एक का तो नहीं, सबका क्या प्लान है? सबसे पहले पूछो सारों को, तो यही है बीच पे चलते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। बीच पे चलते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। बोर हो रही है, बच्चे बोर हो रहे हैं, क्या करना है? सुबह से हम घर में ऐसे ही बैठे हुए थे, कामान की भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, और ये मेरे जेठ और जेठानी के बच्चे हैं, मैं तो सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। प्यारा और सबसे अच्छा बच्चा रानिया, हीरा बच्चा अष्टा भी है माशाल्लाह से। ये हमारे घर के बिल्कुल तकरीबन 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर ये कॉर्नेशर सीवियो है, और यहाँ हम अक्सर मोस्टली आ जाते हैं जब कामरान के वीकेंड पे छुट्टी होती है, तो हम बच्चों को यहीं इंजॉयमेंट करवाते हैं और भी जगह जाते हैं इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखाएंगे। तो चले हमने कहा स्टार्ट हम लोग ये कॉर्नर से ही लेते हैं, वो सामने का मैम दिखाए, उस साइड से हमारा घर है, ठीक है? अस्मारा को लेके यहाँ पे वॉक करने भी आती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा वॉक कर ट्रैकिंग वॉक बना हुआ है, और ये कॉर्निश है, हम कॉर्निश भी इंजॉय कर लेते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, मेरी वॉक भी हो जाती है, इस तरह से हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है यहीं पे स्पेंड करते हैं। सबसे पहले क्योंकि रात को सोते सोते तकरीबन 3:30 बज गए थे, चलना ही चाह रहा था सुबह उठने, तो 10 बजे का अलार्म लगाया, उसको बंद किया, फिर 11 बजे का उससे भी बंद किया, फिर मजबूरन 12:30 बजे सो के उठी, और फरमाइश आई थी कि मसर चावल पकाने, तो दाल खत्म हो चुकी थी। किसने की थी? हाँ जी, मेरे जेठ और जिठानी ने, मेरे बड़े भाई ने। हाँ जी, कामरान के बड़े भाई ने और भाभी ने की थी। फिर मैं गई मसर की दाल लेके आई, हमारे घर के पास ही पाकिस्तानी सुपर मार्केट, वहाँ से दाल लाई, दाल बनाई, चावल भिगो के गई थी, फिर चावल बॉयल किए, उसमें के साथ कबाब बनाए और रोस्ट फ्राई किया। इस सबसे पहले मैंने अपना नाश्ता किया, एक स्लाइस और एक कप चाय। अगर जब तक मैं चाय ना पीऊँ मुझे कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। मेरी शादी से पहले और आज तक मेरा यही नाश्ता है, एक स्लाइस और एक कप चाय, वह मैंने पी। फिर उसके बाद ये मैंने सारी तैयारी की, फिर उसके बाद हम सब ने खाना वगैरह खाया, खाने से फ्री होके मैं मेरी जिठानी थोड़ा बाहर गए, कुछ काम था उसे, फिर वहाँ से आते ही हम यहाँ पे बच्चों ने प्लान बनाया, क्योंकि बस बच्चे घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, हम फिर हम इनको लेके कॉर्निश आ चुके। ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी मैं आपको बताऊं या क्या मैं बनाऊं,
इसलिए प्लीज मुझे गाइड जरूर कीजिएगा। आए निहारी कुन्ना पुलाव पेशावरी आइटम्स भी मुझे सब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली तो मैं पेशावर से हूँ और कराची में मैं रहती हूँ और शादी मेरी लाहौर हुई है और अब शादी के बाद मैं दुबई में रहती हूँ। तो इसलिए अगर आप मुझे चाहेंगे पेशावरी खाने, अगर आप मुझसे कहेंगे लाहौरी खाने, कराची के खाने या दुबई के खाने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब बना सकती हूँ, मेरे हाथ में टेस्ट भी बहुत है। हम लोग अभी एक्चुअली पानी से होके आ रहे हैं, पानी की जो लहरें हैं वो मतलब पाँव से हमारे और ऊपर जा रही हैं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और जो हमारे बहन भाई हैं जो छोटे से हैं उनको भी ध्यान। मैंने उसमें जेली फिश भी देखी थी और रियल वो लाइफ थी, किसी के पैरों में गई वो डर जाएंगे वहाँ पर। और किसी के पैरों में जाए तो वो तो डर ही जाएंगे। बाबा को बताया आपने क्या एंजॉय किया? हमारी बच्ची जो है ना कैमरे के सामने आके ना कैमरे के पीछे बहुत बोलेगी, लेकिन सामने आके ना खुश हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। I love you all. ये अयान और रेयान दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं इधर, ये मेरा बेटा और वो मेरे भाई का बेटा, ये दोनों यहाँ पे बीच क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं। बेसिकली लड़ते भी बहुत हैं और प्यार भी बहुत है, ये बड़ी खसूसियत होती है कजन्स के अंदर। इन्होंने लड़ना भी बहुत होता है और प्यार भी बहुत करना होता है, दूसरे के बगैर रहना भी नहीं होता। अभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जब बीच में हैं तो मजे तो करने हैं। और ये मैंने मारा दूर का छक्का। तो मैंने रियान की एक विकेट ले ली है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तीन विकेटों का था मैंने एक विकेट। गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त शाम हो चुकी है, काफी अंधेरा हो रहा है, हम लोग तो यहाँ बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इसी तरह के व्लॉग्स बनाते रहें और आप लोगों को दिखाते रहें दुबई की लाइफ, शारजा की लाइफ कैसी है और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज भी इंशाल्लाह अपकमिंग है। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।